नमस्कार स्टूडेंट्स, हमने किया था इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हमने किया था फ्यूजन क्या है, वेपराइजेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, बॉइलिंग क्या है। नाउ वेपराइजेशन की बात हमने कर ली, फैक्टर ऑन विच वेपराइजेशन डिपेंड। पहली बात तो क्या थी, वेपराइजेशन है क्या, वेपराइजेशन है क्या। इट इज ए प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस। ये बॉइलिंग एक अलग चीज है, बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। Boiling is not vaporization, ये ध्यान रखना। Boiling तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। पानी को आपने मटके में रख रखा है, पानी को आपने खुले बर्तन में रख रखा है, पानी झोर तालाब में है, वेपराइजेशन तो होता रहता है, लेकिन आप उसको बॉइलिंग नहीं कह सकते। बॉइलिंग तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। बॉइलिंग में जो उसका जो वेपर प्रेशर है खुद का, वो बाहर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है लिक्विड का, लेकिन वेपराइजेशन हर टेम्परेचर पे चलता रहता है। सर्दियों में भी पानी का वेपराइजेशन होता है, गर्मियों में भी होता है, बरसात में भी होता है, लेकिन बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री है, लेकिन वेपराइजेशन 10 डिग्री पे भी होता है, 20 पे भी होता है, 40 पे भी होता है। तो वेपराइजेशन क्या है, इट इज ए प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि वो अट्रैक्शन ब्रेक हो जाते हैं। देन फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ वेपराइजेशन डिपेंड्स, वो फैक्टर्स पे रेट ऑफ वेपराइजेशन, रेट किसी भी चीज का क्या होता है, टाइम के हिसाब से, स्पीड जैसे होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे ही यहां क्या होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन, कितना अमाउंट वेपराइज हुआ कितने टाइम में, टोटल अमाउंट वेपराइज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कितना वेपराइज हुआ कितने टाइम में, दैट इज वेपराइजेशन, रेट ऑफ वेपराइजेशन। किस बात पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ वेपराइजेशन, एक तो डिपेंड करेगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है जिसको कह रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस बात पे डिपेंड करेगा। क्योंकि वेपराइजेशन करने के लिए हमें करना क्या है, हमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है। जितनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, रेट ऑफ वेपराइजेशन कम होगा, और अगर आपस में अट्रैक्शन वीक होगी तो जल्दी वेपराइज हो जाएगा। जैसे पेट्रोल और पानी दोनों रख दो आप, पेट्रोल जल्दी वेपराइज होगा, पानी धीरे धीरे होगा, क्योंकि वाटर में आपस में अट्रैक्शन ज्यादा है, पेट्रोल में अट्रैक्शन कम है। तो जितनी पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उतना वेपराइजेशन धीरे धीरे होगा, स्लो होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या रोल है, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना अट्रैक्शन ज्यादा ब्रेक होगी, जल्दी ब्रेक होगी। गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में जवाब होगा गर्मियों में, क्यों, टेम्परेचर ज्यादा है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो जल्दी वेपराइज होगा वाटर। तो मोर विल बी द टेम्परेचर, मोर विल बी द रेट ऑफ वेपराइजेशन। सर्फिस एरिया, जितना सर्फिस एरिया ज्यादा होगा उतना वेपराइजेशन रेट ज्यादा होगा, क्योंकि वेपराइजेशन इज ए सर्फिस फिनोमेना। मान लिया ये मॉलिक्यूल्स है, वेपराइजेशन में होता क्या है, वेपराइजेशन में ये होता है, ये मॉलिक्यूल्स है, आपने मान लिया हीट किया इसको, इसने इसको टक्कर लगाई, इसने इसको, ये गो टू द वेपर फेस, इट गो टू द वेपर फेस,
इसको इसने एनर्जी दी, इसकी एनर्जी इसको, ये अट्रैक्शन ब्रेक और ये बार। वेपराइजेशन में जब ये सारे बार हो जाएंगे फिर इंटर हमारा आएगा, फिर ये तो वेपराइजेशन एक सरफेस फिनोमेना है। जैसे आप बिना बाउंड्री की छत पे खड़े हो जाएं, एक दूसरे को धक्के लगाए तो जो बाउंड्री पे है वो वेपराइज हो जाएगी, हो गए वेपराइज, पहले नीचे आएंगे फिर ऊपर चले जाएंगे। तो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है, बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में नीचे लिक्विड से गैस बन जाता है, बॉइलिंग अंदर से बल्क फिनोमेना है। बॉइलिंग में ऐसा होता है जैसे अंदर से गैस का मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहा हो, वहां तो इस मॉलिक्यूल्स की इतनी एनर्जी रहती है कि यहीं पे लिक्विड से गैस बन जाता है अंदर के बल्क, लेकिन वेपराइजेशन में सिर्फ सर्फिस के। तो वेपराइजेशन इज ए सर्फिस फिनोमेना। तो जितना सर्फिस एरिया, अभी मान लिया इतना एरिया है, मैंने एरिया ज्यादा कर दिया तो ज्यादा मॉलिक्यूल चाहिए वेपराइजेशन। कपड़े को जब हमें सुखाना है तो हम उसको फैलाते हैं ताकि सर्फिस एरिया बढ़ जाए। एक लीटर पानी है, आप एक बोतल में रख दो, एक बाल्टी में रखो, एक बड़े टब में रखो, एक पूरी फर्श पे फैला दो, कौन सा जल्दी सूखेगा? जितना ज्यादा फैला है उतना जल्दी सूखेगा। पानी कहीं इकट्ठा हो रखा, हम झाड़ू से पोछे से उसको इधर उधर कर देते हैं, जल्दी सूख जाता है। तो मोर विल बी द सर्फिस एरिया, मोर विल बी द रेट ऑफ वेपराइजेशन, उतना ही वेपराइजेशन का रेट ज्यादा होगा। गर्मियों में जो वेपराइजेशन का रेट बढ़ जाता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है, पेड़ के पास पानी की अगर कमी है तो पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं क्योंकि पत्तों से भी पानी का वेपराइजेशन होता है, तो कम वेपराइजेशन हो तो अपना सर्फिस एरिया कम कर लेता है। जहां पानी की कमी है वहां के पेड़ों के छोटे पत्ते हो गए ताकि कम सर्फिस एरिया रहे और कम वाटर का वेपराइजेशन हो। तो वेपराइजेशन सर्फिस एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो वेपराइजेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड का होगा इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता, नमी। जितना ह्यूमिडिटी ज्यादा है भाई, ये वाटर का वेपराइजेशन हो रहा है, वाटर वेपर यहां पहले ही बहुत है तो वेपराइजेशन धीरे होगा। सर्दियों के टाइम पे फॉग है बहुत ज्यादा, एटमोसफेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो हम कपड़े बाहर सुखाते हैं तो सूखने की बजाय गीले हो जाते हैं क्योंकि जितना वाटर कपड़े में है उससे ज्यादा तो बाहर है तो और गीला हो जाएगा सूखने की बजाय। लेकिन अगर कपड़े में वाटर ज्यादा है बाहर कम है तो फिर वो वेपराइज होगा, जैसे डिफ्यूजन की बात करेंगे जब समझ में आएगा। तो जितना ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी वेपराइजेशन कम होगा। विंड प्रेशर, विंड प्रेशर, हवा का प्रेशर भी जितना ज्यादा होगा उतना वेपराइजेशन का रेट ज्यादा होगा। होता क्या है देखो, ये कोई वाटर बॉडी है, ये मॉलिक्यूल्स यहां है वाटर के, ये मॉलिक्यूल्स यहां है और एयर का प्रेशर आएगा। अब जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स यहां ज्यादा इकट्ठे होते जाएंगे वेपराइजेशन का रेट धीरे होता जाएगा और हवा क्या करेगी इनको यहां से हटा देगी, यह खुद भी जाते रहते हैं धीरे धीरे डिफ्यूजन से तो और नीचे से आते रहेंगे। अगर हम किसी को ढक देते हैं तो वेपराइजेशन क्यों रुक जाता है, क्योंकि ढक दिया हमने ऊपर से, तो जितना वेपराइजेशन जितने मॉलिक्यूल्स यहां है उतने वो वापस कंडेंसेट होने शुरू हो जाते हैं। जब वो कंडेंसेट शुरू हो जाते हैं तो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन बराबर हो जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे वेपराइज होकर बाहर जा रहे हैं, पहले वेपराइजेशन से यहां आए, अब ये धीरे धीरे जिधर कम है उधर जाते जा रहे हैं। विंड प्रेशर इनकी हेल्प करता है, एक जोड़ है तालाब है उसके ऊपर नमी है, मॉइस्चर है, वाटर वेपराइज हो रहा है, हवा आएगी वो अपने साथ उनको बांके ले जाएगी तो और ज्यादा जाएंगे नीचे से। हम कहते हैं गर्मियों में जो हवाएं चलती हैं ये तालाब से समुद्र से पानी लेके जाती है वाटर को वेपराइज, मानसून वगैरह जो आता है, मानसून तो कैसे आता है, वो वही कंडेंसेट होके वापस आता है। तो जो वाटर का वेपराइजेशन है वो विंड प्रेशर भी ज्यादा होगा तो वेपराइजेशन ऑफ वाटर ज्यादा होगा। अब आप ये
देखिए कि वेपराइजेशन प्रोसेस को अगर हम स्टडी करें, जैसे हम ये कह रहे हैं कि दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, सभी लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं होती, आपस में टकराते रहते हैं। हालांकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा रैंडम है, ज्यादा फ्री है, वो भी आपस में टकराते रहते हैं। लिक्विड के थोड़े कम रैंडम है, सॉलिड के थोड़े और कम रैंडम है। हालांकि सॉलिड के भी 100% चीज नहीं है, थोड़ा वाइब्रेशन तो सॉलिड में भी होता रहता है, लिक्विड में ज्यादा है, गैसेस में हो जाता है। तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं और एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं। अब इनको वेपराइज कौन नहीं होने दे रहा, ये आपस के अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये अट्रैक्शन ब्रेक हो जाए तो ये ऊपर चले जाएंगे इस स्पेस में, ये वेपराइज हो जाए। तो होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल जिसको स्ट्राइक करता है अपनी एनर्जी इसको दे देता है, ये इसको दे देता है, ये इसको, इसके अट्रैक्शन ब्रेक हो रही है बाहर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गई। तो कौन सा मॉलिक्यूल्स बाहर गया, वो मॉलिक्यूल्स बाहर गया जिसकी एनर्जी ज्यादा थी। अगर आप हीट भी कर रहे हो तो पहले इसको एनर्जी दे रहे हो, ये इसको कोलाइड करेगा, ये इसको, ये फिर बाहर। तो जितनी एनर्जी हम इन मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड करेंगे, ये कोलाइड होकर दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कोई एक को धक्का मारता है तो दूसरा आगे उसको पुश करता है, अगला उसको पुश करता है, तो ट्रांसफर होता जाता है। ऐसे यहां हीट ट्रांसफर हो रही है और जब ये अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स गेट वेपराइज। तो कौन से मॉलिक्यूल्स वेपराइज हुए, जिनकी एनर्जी ज्यादा थी या कम? जिनकी एनर्जी ज्यादा थी। द मॉलिक्यूल्स हुज एनर्जी इज मोर लॉस द सिस्टम, सिस्टम ये है जिसमें एनर्जी है पूरा, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। इसकी एनर्जी सिस्टम की कम होगी, और अगर किसी की एनर्जी कम होगी तो कूलिंग होगी। देखो एक होता है हीटिंग और एक कूलिंग। मेरे को ठंडा कब लगेगा, अगर मेरी एनर्जी कम हो रही है तो मेरे को ठंडा लगेगा, और अगर मेरी एनर्जी बढ़ रही है तो मेरे को गर्म लगेगा। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। मेरे को ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं टच कर रहा हूं तो ये मेरे को गर्म कब लगेगी, अगर इसकी हीट मेरी बॉडी में आ रही है तो ये मेरे को गर्म लगेगी, और अगर इसकी हीट, अगर मैं इसको हीट दे रहा हूं, दो बातें, मैं क्या कर रहा हूं, हीट लॉस और गेन। अगर मैं हीट गेन कर रहा हूं तो आई फील वार्म, और अगर मैं हीट लॉस कर रहा हूं तो आई फील कूलिंग। तो वेपराइजेशन में क्या होता है, वेपराइजेशन में क्या होता है, हीट लॉस होती है। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा है वो सिस्टम से बाहर चले जाते हैं तो कूलिंग होती है। चाहे वो आपने रख दिया, वेपराइज हो रहे हैं, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा है वो बाहर जा रहे हैं, ठंडी हो जाएगी। क्यों, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा थी वो तो बाहर गए। तो वेपराइजेशन काज कूलिंग। मेटल के बर्तन में पानी भर दो और मटके में पानी भर दो, मटके का जो पानी है वो ठंडा होगा जल्दी। क्यों, मटके में छोटे छोटे पोर होते हैं, उन पोर से वेपराइजेशन होता रहता है। तो मटका हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा है एटमोसफेयर से, और उस हीट से लॉस भी कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है, लॉस भी कर रहा है। लेकिन जो मेटल वाला है, स्टील में, बर्तन में, पीतल में पानी रख दिया, वो एब्जॉर्ब तो कर रहा है, लॉस नहीं कर रहा, तो उसका पानी गर्म मिलेगा, मटके का ठंडा मिलेगा। कॉटन के कपड़े पहनते हैं हम सर्दियों में, गर्मियों में भी, गर्मियों में ज्यादा। क्यों, पसीना है, पसीना कब आता है बॉडी को, जब बॉडी को हीट लॉस करने की जरूरत होती है। बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो मेरी बॉडी ने बाहर से हीट ले ली, लेकिन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री रहना चाहिए। ज्यादा हो गया तो भी गड़बड़, कम हो गया तो भी गड़बड़। तो बॉडी चाहती है कि जो बाहर से हीट ली, क्योंकि बाहर से हीट तो लेनी पड़ रही है, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी ही होगी। तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी हीट लेगी, लेकिन फिर वो छोड़ भी दे तो छोड़े कैसे, वाटर का वेपराइजेशन कर दे, वो वाटर का वेपराइजेशन पसीना है। स्वीट फॉर्मेशन होती कैसे है कि वाटर का वेपराइजेशन हो रहा है, उस पानी के साथ थोड़ा बहुत साल्ट भी डिसॉल्व होकर बाहर आ जाता है तो वो थोड़ा उसका टेस्ट साल्टी हो जाता है। तो बॉडी को जब अपनी हीट लॉस करनी है तो वाटर का वेपराइजेशन हो जाता है बॉडी से, जिसको हम पसीने कहते हैं।
तो ड्यू टू दैट स्वेट फॉर्मेशन कूलिंग विल हैपन, हमारी बॉडी ठंडी हो रही है, गर्मी की वजह से पसीना आ रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन पसीने आने की वजह से वी फील कूलिंग। ऐसे सर्दियों में बॉडी को हीट चाहिए होती है तो वहां हम पसीने की बजाय बल्कि बाहर से हीट लेते हैं, क्योंकि बॉडी को अपना टेम्परेचर 37 डिग्री रखना होता है, और पसीने आ रहे हैं अगर पंखा चला दे तो वो ठंडा लगेगा, क्योंकि पंखा क्या कर रहा है, विंड प्रेशर क्रिएट करके, और जो बॉडी से पानी वेपराइज हो रहा है पसीना वो जल्दी निकलेगा, तो वेपराइजेशन रेट फास्ट होगा तो ज्यादा कूलिंग लगेगी तो हमें ठंडा लगेगा। कॉटन के कपड़े भी क्यों पहनते हैं, क्योंकि कॉटन उस पसीने को एब्सॉर्ब कर लेगा, तो बॉडी से पसीना जितना हटेगा उतना हम हीट लॉस करेंगे। अब मेरा टेम्परेचर है 37, कोई कब हमें ठंडा लगता है कब गर्म लगता है, हीट फ्लो होती है हाई टेम्परेचर से लो की तरफ। हम मान लिया एक कोई मेटल की रोड है और वो रोड 50 डिग्री पे है और हमारी बॉडी है 37 डिग्री पे, अब मैं इसको टच कर रहा हूं तो हाई टेम्परेचर से लो की तरफ हीट आएगी, तो 50 डिग्री से मेरी तरफ हीट आएगी, तो मैंने क्या किया, मैंने हीट गेन की तो मेरे को गर्म लगेगा, 50 डिग्री वाली बॉडी को मैं टच करूंगा तो मेरे को गर्म लगेगा, और एक बॉडी है 20 डिग्री पे 20 डिग्री पे, इसको मैंने टच किया तो इसका टेम्परेचर कम मेरा है ज्यादा, तो मेरी हीट इससे जाएगी, तो मैं हीट लॉस कर रहा हूं, तो मैं हीट लॉस कर रहा हूं तो मेरे को ठंडा लगेगा, तो जो मेरे टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की बॉडी है उसको टच करता हूं तो हीट उस बॉडी से मेरी बॉडी में फ्लो हो रही है, आई फील वार्म, एंड व्हेन आई टच बॉडी दैट हैव लेस टेम्परेचर देन मी देन आई लॉस हीट एंड आई फील कूल, तो कूलिंग होती है वेपराइजेशन में, क्योंकि इन वेपराइजेशन हीट इज लॉस्ट। ऐसा हो सकता है कि 100 डिग्री पे उबलते हुए पानी से नहाओ ठंडा लगे आपको, हो सकता है आप अपना टेम्परेचर 200 डिग्री कर लो, जिंदा नहीं रहोगे लेकिन कर लो, 200 डिग्री पे है मेरी बॉडी तो, और 100 डिग्री के पानी से नहा रहा हो तो ठंडा ठंडा लगेगा। ऐसा हो सकता है 0 डिग्री की बर्फ आपको बहुत गर्म लगे, हो सकता है 0 डिग्री पे बर्फ है और आप अपना टेम्परेचर कर लो -10 डिग्री, फ्रिज में बैठ जाओ 2-4 दिन तो आपको वो जो बर्फ है वो गर्म लगेगी। तो बोल रोल है टेम्परेचर का, हीट फ्लो का, हीट कहां से कहां फ्लो होती है, मॉलिक्यूल्स, कुछ हीट रूम टेम्परेचर में भी अवेलेबल होती है, कपड़े सुखाने के लिए हमें अलग से हीट नहीं करनी पड़ती, और रूम टेम्परेचर में डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन गैसेस की प्रॉपर्टी, डिफ्यूजन फ्लूडिटी एक प्रॉपर्टी, फ्लूडिटी भी है जो गैसेस में करना, फ्लूड किसको कहते हैं, फ्लूड में गैस और लिक्विड दोनों आते हैं, फ्लूड का मतलब वो केमिकल जो फ्लो हो, जिनमें फ्लो होने की टेंडेंसी हो, सॉलिड फ्लो नहीं होते तो सॉलिड आर नॉट फ्लूड, लिक्विड और गैसेस है, गैसेस की फ्लूडिटी ज्यादा है, लिक्विड की कम है, सॉलिड की है ही नहीं। डिफ्यूजन क्या होता है, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, फ्लो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जो मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है दैट इज नोन एज डिफ्यूजन, फ्लो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन भी आपस के अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, गैसेस का डिफ्यूजन रेट ज्यादा होता है, आप एक परफ्यूम की बोतल को खोल दो थोड़ी देर में पूरे रूम में स्मेल हो जाएगी, कैसे हुई, वो मॉलिक्यूल्स जहां से खोला था वहां से कम की तरफ चला गया, इंक की ड्रॉप पानी में डाल दो सारे में हो जाएगी थोड़ी देर में डिफ्यूजन, किचन में खाना बन रहा है स्मेल आ जाती है हमें पता चल जाता है, पड़ोसियों को भी आ जाती है, ठंडे की नहीं आती कि ठंडा खाना में कल क्या रखा है, किचन में क्या रखा है, ठंडे खाने की नहीं आती, क्यों, ठंडे का मतलब है कि टेम्परेचर कम है, जब टेम्परेचर कम है
तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एनर्जी ड्यू टू स्पीड, किसी भी सब्सटेंस में स्पीड की वजह से जो एनर्जी स्टोर है वो काइनेटिक एनर्जी है। अगर काइनेटिक स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जीरो नहीं होती काइनेटिक एनर्जी किसी भी सॉलिड लिक्विड या गैस की, क्योंकि कुछ तो टेम्परेचर होता है। जीरो केल्विन पे जीरो हो गई और जीरो केल्विन कभी हम अटेंड नहीं कर सकते। तो हर में सॉलिड में लिक्विड में गैस में पार्टिकल थोड़े बहुत मूव करते हैं तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी है। सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, लिक्विड में थोड़ा मॉलिक्यूल ज्यादा फ्लो करते हैं, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो जब गर्म खाना है तो टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो आप तक पहुंच जाएगी, आपके नाक तक पहुंच गए तो आपको स्मेल आएगी। लेकिन ठंडा है, टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है तो डिफ्यूजन रेट भी स्लो होगा। एक और देखिए, नॉर्मली जो हम लेते हैं सॉलिड और लिक्विड और गैसेस, हीट करिए सॉलिड को, हीट करिए लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट करिए गैस बन जाएगा, गैस को हीट कूलिंग करिए क्या बन जाएगा, लिक्विड कंडेंसेशन कहते हो और इसको कूल करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, सॉलिड बन जाएगा, दूर गए लिक्विड बन गया, और दूर गए गैस बन गया, गैसेस पे प्रेशर लगाया ठंडा किया लिक्विड बन गया सॉलिड बन गया। अब अगर गैसेस को भी हम और ज्यादा हीट कर दें, बहुत ज्यादा एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दें, जैसे मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे कार्बन अलग और ऑक्सीजन के एटम अलग, हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन के एटम अलग टूट जाएंगे बोर्ड उनके। और ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो एटम में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ज्यादा एनर्जी मिल गई तो ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर, न्यूक्लियस अलग इलेक्ट्रॉन अलग, तो दैट मिक्सचर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई इज सेड प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। नॉर्मली तो हम मैटर की तीन स्टेट लेते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हम ले लेते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे 10^6 केल्विन और उससे भी ऊपर। बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब हो जाता है, जब एटम मॉलिक्यूल्स के एटम भी अलग अलग हो जाते हैं, एटम में से इलेक्ट्रॉन भी निकलने शुरू हो जाते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और एटम इनका जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट। और अगर बहुत ज्यादा हम ठंडा कर देंगे, बहुत लो टेम्परेचर हम कर देंगे, अगर बहुत लो टेम्परेचर कर देंगे तो एट वेरी लो टेम्परेचर द सब्सटेंस इज नोन एज बीईसी, एट वेरी लो टेम्परेचर। बहुत कम टेम्परेचर, नॉर्मल हम तीन स्टेट ऑफ मैटर लेते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज सेड प्लाज्मा विच इज ऑब्टेन एट वेरी हाई टेम्परेचर प्लाज्मा, एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज बीईसी। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो ये जो आपका जो चैप्टर है बड़ा इजी सा चैप्टर है, मैटर अराउंड अस, मैटर क्या क्या टर्म्स आपको इसमें पता होनी चाहिए। ये मैटर का मतलब हो गया एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर के कौन कौन से एग्जांपल है, फिर बात नॉन मैटर की आती है, तो नॉन मैटर में कौन हुए दैट डोंट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। नॉन मैटर में कौन कौन आता है, एनर्जी, एनर्जी में आती है सारे आपके इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, ठीक है, हीट, लाइट, ये सब नॉन मैटर है। फिर मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टी होती है,
और उन्हीं के बेस पे हम दो तरह के चेंजेस कहते हैं, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। हम कहते हैं केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस शुड बी फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस बनना चाहिए, लेकिन फिजिकल चेंज में नो नीड टू मेक द न्यू सब्सटेंस, बढ़ता ही नहीं, नया सब्सटेंस बन गया तो फिर वो केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का मतलब हुआ कि उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम उसी बेस पे क्लासिफाई करते हैं। एक बेस है फिजिकल प्रॉपर्टी का बेस, एक बेस है केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये आप तीनों पढ़ते आ रहे हो छठी सातवीं क्लास से, सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। या एक थोड़ा सा जो एडवांस बात आपने की वो किया है कि भाई व्हाट इज द फैक्टर दैट मेक दैट डिसाइड वेदर इट बिकम ए सॉलिड, लिक्विड और गैस। दिस इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट विल डिसाइड वेदर ए सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। If intermolar force of attraction are strong, then it is solid. If it is less, then it is liquid. And it is further less, then it is gas. अब कितनी less? इतनी कम है कि ना तो उसकी shape fix हो रही है, ना उसका volume fix हो रहा है, तो gas. इतनी कम है कि volume तो fix हो रहा है, लेकिन shape fix नहीं हो रही है, तो liquid. और इतनी ज़्यादा है कि दोनों ही fix है, तो फिर वो solid. लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आग solid है और same attraction. सॉलिड में भी आयरन में अलग है, कोबाल्ट में अलग है, निकल में अलग है, लकड़ी में अलग है, चोक में अलग है, पैन में अलग है, सभी गैसेस में भी अट्रैक्शन बराबर नहीं होती। ऑक्सीजन की अलग अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन की अलग है, वो उनके साइज पे मास पे डिपेंड करती है। जितना साइज बड़ा है, मास ज्यादा है, उतनी अट्रैक्शन ज्यादा है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की डेफिनेशन की बात हो गई। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस किस बात का है? सबसे मेन डिफरेंस तो इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है, डेंसिटी का क्या कंपैरिजन है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, फ्लूडिटी, रिजिडिटी, कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब प्रेस कर सकते हो, जैसे सॉलिड कंप्रेस नहीं होते, लिक्विड कंप्रेस नहीं होते, गैसेस कंप्रेसिबल है क्योंकि गैसेस के बीच में स्पेस ज्यादा है। तो ये सब प्रॉपर्टीज का डिफरेंस, डिफ्यूजन का रेट, रैंडमनेस जिसको डिसऑर्डर कह रहे हो, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी देखे तो गैसेस की ज्यादा है और बॉन्डिंग एनर्जी देखे तो सॉलिड में ज्यादा है। फिर अगली बात आती है कि क्या वन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर स्टेट ऑफ मैटर? बिल्कुल कर सकते हैं। जो फैक्टर डिसाइड कर रहा है फिजिकल स्टेट को, उसको चेंज कर दीजिए। अट्रैक्शन डिसाइड करता है, अट्रैक्शन को कम कर दीजिए, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा। और अट्रैक्शन कम करने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा, पास लाने के लिए, अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए आपको कूलिंग करनी पड़ेगी। तो फिर वो प्रोसेस के नाम आपको पता होने चाहिए, फ्यूजन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन। फिर ये किस टेम्परेचर पे हो रहा है, हर प्योर सब्सटेंस, प्योर लिक्विड का एक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड का भी होता है, लिक्विड का भी होता है, गैसेस की भी होता है। ऐसा नहीं कि गैसेस कभी मेल्ट ही नहीं होगी, गैसेस को आप ठंडा करते आओगे तो कभी तो सॉलिडिफाई होगी ना, तो जिससे फिर वो सॉलिड से लिक्विड में बने, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। गैसेस को प्रेशर लगा के लिक्विफाई भी तो कर सकते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि गैसेस का तो गैसेस तो गैसेस ही है पहले ही, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसके भी होंगे, क्योंकि गैसेस को आप लिक्विड और फिर सॉलिड बना सकते हो। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड बनेगी वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, लिक्विड से गैस बनेगी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो उनकी मैंने डेफिनेशन आपको बताई। फिर लेटेंट हीट, भाई एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट करने में जो हीट चाहिए होती है वो लेटेंट हीट है। अब लेटेंट हीट के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन अलग अलग है। तो लेटेंट हीट के, जब लेटेंट हीट का आप कह रहे हो विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द वन स्टेट ऑफ मैटर टू अदर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन अराइज होता है कि टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं हो रहा, हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, कहां जा रही हो हीट? तो हाउ दिस हीट इज यूज्ड टू ब्रेक द इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बड़ा इजी एक चैप्टर है जिसमें हमें फिर वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन से कूलिंग क्यों होती है, डिफ्यूजन क्या होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। इतना ईजी है कि थियोरेटिकली आप अगर इसको रीड करोगे तो ईजी समझ में आएगा। मैंने जस्ट इसको ब्रीफ किया है, एक बार पहले भी आपने इसको किया हुआ था,
ये जस्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए कि भाई केमिस्ट्री में हमें करना क्या है, केमिस्ट्री का मतलब क्या है, मैटर का क्या मतलब है, नॉन मैटर का क्या मतलब है, ये जो टर्म्स है इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। थैंक यू।